नमस्कार साथियों, छोटे से वीडियो लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज इस वीडियो में बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक्स रूल, और बेसिक्स रूल क्या बताना चाहते हैं आज थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज के अंतर्गत अब यह अगर लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, या आपका बेस हो जाएगा, या हाइपोटेनस हो जाएगा, तो कहा जाता है कि तीनों साइड इस प्रकार बनी होती है, तीनों साइड इस प्रकार मिलकर बनी होती है कि अगर यह तीन होगा और यह चार होगा तो यह पांच के बराबर होगा। पांच के बराबर क्या, यह अगर तीन तरीके नौ हो जाएगा या चार चौक 16 हो जाएगा तो यह किसके बराबर होगा, पांच पच्चीस 25 के बराबर होना चाहिए। 25 क्या है, इन दोनों को जोड़ने के बराबर होना चाहिए। तो हम आज के इस वीडियो में बस बात करेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब होता है पाइथागोरस ट्रिक बोलते हैं। ट्रिक का मतलब क्या होता है, तीन साइड ऐसे हमको प्राप्त हो, तीनों साइड ऐसे हमको प्राप्त हो कि तीनों लंब, आधार और कर्ण तीनों एक साथ प्राप्त हो। तो इसके लिए हम छोटा ट्रिक लेकर के आए हैं, इसको थोड़ा ध्यान देने का प्रयास आप लोग करिएगा। मैं क्या बताना चाहता हूं उसको थोड़ा देखिएगा। इसके लिए हम दो तीन एग्जाम्पल ले रहे हैं, दो तीन क्या कई सारे एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके सामने, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। और पहला हम जो बताएंगे वह हम कह सकते हैं ऑड के लिए बताएंगे, ऑड ऑड नंबर हो, ऑड नंबर मतलब विषम के लिए, विषम संख्या के लिए बात करेंगे। विषम संख्या क्या, तीन पांच सात नौ। अब देखिए पहले क्या करिए, आप इसमें ध्यान दीजिएगा क्या करना है आपको, आपको ऐसा नंबर ज्ञात करना है कि इसका इसका वर्ग करेंगे तो इसके वर्ग के बराबर हो, मतलब तीनों संख्याएं ऐसी हो पाइथागोरस प्रमेय का काम करे। अब थोड़ा देखिएगा, पहले क्या करिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, किया कितना हो गया नौ। फिर क्या करिए इसको आधा कर दीजिए, तो आधा करेंगे तो कितना होगा 4.5। तो यह हो जाएगा आपका 4, यह हो जाएगा आपका 5। कोई दिक्कत, हमको उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही है। अब देखिए इसको क्या करें, आप 5 का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा क्या आपका 25, और 25 का आधा कर दें तो 25 का हो जाएगा कितना 12.5। तो 12.5 में ध्यान दीजिएगा, इससे यह बड़ा हो जाएगा तब तो ठीक है, नहीं तो एक हो जाएगा 12, एक हो जाएगा 13। एक और ले लेते हैं, इसका वर्ग कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 49, 49 का आप आधा कर दीजिए तो हो जाएगा 2 × 4 दो चौक 8, 24.5। तो एक हो जाएगा 24, एक हो जाएगा 24 से 25, कोई दिक्कत नहीं। एक पर और देख लीजिए, 9 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 81, 81 का आप आधा कर दीजिए हो जाएगा आपका 41.5 हो जाएगा, ठीक 40.5 हो जाएगा आपका, ठीक 40.5 हो जाएगा, तो एक हो जाएगा आपका 40, एक हो जाएगा आपका 1। हमको उम्मीद है कि बातें आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रही है, बहुत अच्छे तरह समझ में आ रही। हम तीन साइड ऐसे ज्ञात कर रहे हैं कि तीनों साइड दो साइड का स्क्वायर करेंगे तो तीसरा साइड ऑटोमेटिक प्राप्त होगा। आप इसका इसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे इसके स्क्वायर के बराबर होगा, इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसके बराबर होगा, इसका इसका इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही। अब हम बात कर रहे हैं सम संख्या पर। सम संख्या का मतलब आप इवेन नंबर पर, इवेन नंबर बात कर लेते हैं, समझिएगा इवेन नंबर मतलब सम संख्या ले लेते हैं, इसमें भी चार ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, दो को नहीं लेते हैं, दो का नहीं होता, 4, 6, 8, 10। पहले इसमें क्या करना है, इसमें आपको पहले वाले में हाफ कर देना, हाफ मतलब इसका आधा कर देना है, तो आधा कितना हो जाएगा 2, इसका आधा कितना हो जाएगा 3, इसका आधा कितना हो जाएगा 4, और इसका आधा कितना हो जाएगा 5, ठीक। अब इसका आधा करके आप क्या करें, उस आधे का स्क्वायर करें, इस आधे का स्क्वायर करते तो कितना हो जाएगा 4, आधे का स्क्वायर कितना 4, 4 के से कम ले लीजिएगा 3, और एक अधिक ले लीजिएगा तो एक तो 4 है, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 5। बातें समझ में आ रही है, फिर अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा कितना 9, 9 से कम कर लीजिए 8, 8 और इधर ले लीजिए 10, तो एक कितना होगा 8 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा, छा लिया ना। अब देखिए 4 का स्क्वायर कर दीजिए कितना 16,
16, अब एक कम कर दीजिए 15, और एक कम एक अधिक लीजिए 17, तो एक हो जाएगा 15, एक हो जाएगा 17। एकदम समझ में आ रहा होगा, हमको उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसका आधा इसका स्क्वायर कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 25, 25 से कम कर लीजिए 24, एक अधिक ले लीजिए 26, तो एक हो जाएगा आपका 24, एक हो जाएगा आपको 26। तो हमने इस वीडियो में पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में बात किया या पाइथागोरस ट्रिक के बारे में बात किया। हमको उम्मीद है कि चीजें आपको बहुत बढ़िया समझ में आई होगी। हम चाहते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छी तरह से पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।